फ्रेंड्स, मैं अन्ना पांडे, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मकर संक्रांति है, आज के दिन बिहार झारखंड में खिचड़ी बनाते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मुझे बेसिकली किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये चावल है, ये अरहर दाल है, ये धुली मूंग की दाल है, गोभी, अदरक, लहसुन, मिर्ची, टमाटर, मटर, आलू, इसके अलावा कुछ सूखे मसाले, गरम मसाले, घी, तेल, नमक, हल्दी, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन किया, सरसों तेल डाला, गर्म हो गया, इधर पानी चढ़ाया है, इसी में खिचड़ी बनानी है। थोड़ा सा नमक, चावल दाल धो लिया है, पानी गर्म हो चुका, अब मैं इसमें दाल दे रही हूँ, हल्दी दे रही, नमक, गोभी निकाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा तेल, आलू भूनना है, बहुत थोड़ा सा नमक, मटर के दाने, सब्जियों को भून कर तैयार कर लिया है। इन सब्जियों को इसमें डाल देना है। एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, दो हरी मिर्च काट कर, काली मिर्च, जीरा, इलायची, लौंग, इन सब का पाउडर मिक्स किया है। ये गरम मसाला का छौंक लगाना है, इसके लिए मैंने लैडल चढ़ाया है, ढेर सारा घी, एक पिंच हींग, पाँच फोरन, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक के जूलियन, कड़ी पत्ता, अच्छी तरह से छौंक लगा देना है। ढेर सारा हरा धनिया, खिचड़ी रेडी है। अब मैं इसे सर्व करूंगी। हमारे बिहार झारखंड में ऐसी ही खिचड़ी बनाते हैं, दही, चोखा, अचार, प्याज, टमाटर की चटनी और ढेर सारा घी, साथ ही थोड़ा धनिया का पत्ता। और इस तरह से लोग खाते हैं और मकर संक्रांति को एंजॉय करते हैं। तो चलिए आप भी ऐसी ही खिचड़ी बनाइए और मकर संक्रांति को एंजॉय कीजिए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।